हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेरी गुड यस ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट यू आर वेरी वेल एज यूजुअल ओके यस आई एम फाइन टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कंजंक्शन ओके कंजंक्शन क्या है यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा है मैं आपको बता दूँ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक दैट इज कंजंक्शन ओके कंजंक्शन कंजंक्शन हम uh, देखें तो मीन्स ज्वाइन करना है ना ज्वाइन करना यहाँ ग्रामर में क्या ज्वाइन कर सकते हैं हम वर्ड्स को टू वर्ड्स को टू सेंटेंसेस को टू क्लॉजेस को है ना तो यही कंजंक्शन की डेफिनेशन है व्हाट इज कंजंक्शन कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस ठीक है ये ज्वाइन करता है जोड़ता है किसको वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को दिस इज नॉन एज द वर्ड नॉन एज कंजंक्शन दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस राइट ठीक है अब कैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर एन एग्जाम्पल ऑल्सो आई वॉज लेट आई स्टिल मैनेज टू फिनिश द वर्क I have written two sentences here, but I want that I have to complete this sentence within one sentence. So, how? So, I need a word, and that would be our conjunction. So, I can say, I was late yet. I can add here with the word yet. ऑल्दो देर वर टू सेंटेंसेज ना यहाँ पे हमारे पास टू सेंटेंसेज थे आई वॉज लेट एक सेंटेंस हुआ वन सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस एज आई स्टिल मैनेज टू फिनिश वर्क नाउ आई है वर्ड येट टू एड दीज टू सेंटेंसेज एंड वॉट डज इट मीन आई वॉज लेट येट आई स्टिल मैनेज टू फिनिश द वर्क है न मैं लेट था फिर भी मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया काम को कम्प्लीट करने के लिए है ना तो यहां मैंने टू सेंटेंसेस पहले था आई वॉज लेट ओके सेंटेंस इज ओवर नेक्स्ट सेंटेंस आई स्टिल मैनेज टू फिनिश द वर्क ओके यू हैव दैट्स इट बट हियर आई हैव टू विद द वर्ड येट सो आई हैव हियर कंजंक्शन दैट है ओके राइट आई नो आपको तो सब आता है पहले कर चुके हो okay here again i have written two sentences even four sentences you have to check what is the difference between these sentences the main the man is very rich next sentence he is unhappy this he sentence here is complete dua? the man is very rich complete is, sentence complete we have to complete the sentence incomplete right so it is completed he is unhappy it is again complete sentence तो जहाँ पे हमारा sentence complete हो जाए जहाँ उसका meaning clear हो रहा हो समझ में आ रहा हो तो वहाँ ऐसे sentence को हम लोग बोलते हैं जिसको अपने meaning को complete करने के लिए किसी और sentence पर depend नहीं रहना पड़े it means that sentence is independent है ना वो किसी पर depend नहीं है तो वो sentence कैसा हुआ independent okay प्पी इसके लिए किसी मीनिंग की जरूरत है कुछ और सेंटेंस को एड करने की जरूरत है नहीं अपने आप में कंप्लीट है सो दिस सेंटेंस अगेन इट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस राइट समझ में आया है ना अभी नेक्स्ट देखते हैं डोंट लीव द प्रोमसेस डोंट लीव द प्रोमिस इंपेरेटिव सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट है सो इट इज अगेन इंडिपेंडेंट सेंटेंस नेक्स्ट द गार्ड्स अराइव गार्ड्स आते हैं ठीक है तो यहां हमें ये सेंटेंस जो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है तो मैं इसे डिपेंडेंट कहूंगी अगर मैं फर्स्ट uh, सेंटेंस को uh, इसमें ऐड कर दू तो मैं कहूंगी कि ये ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा सेंटेंस कैसे डोंट लीव द प्रमिसेज एंटिल द गार्ड्स अराइव जब तक गार्ड्स नहीं आ जाते तब तक uh, प्रेमिस को लीव नहीं करना है तो फिर ये ज़्यादा मीनिंगफुल हुआ ना है ना तो इट मींस ये जो सेंटेंस है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट बनाने के लिए फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट है सो दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट सेंटेंस ओके सो जहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेज हो वन सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और वन डिपेंडेंट हो और उसके लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं दैट कंजंक्शन इज नोन एज Subordinate, okay. ओके सब ऑर्डिनेट अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनको भी हम ज्वाइन नहीं कर सकते और एक सेंटेंस नहीं बना सकते बना सकते हैं ना हम? तो हमारे पास यहां दो सेंटेंसेस हैं द मैन इज वेरी रिच ही इज अनहैप्पी इट डजेंट मीन कि हम लोग इनसे भी एक इन दो सेंटेंसेस को एक नहीं कर सकते हैं एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं कैन द मैन इज वेरी रिच And बहुत रिच था। रिच था, है, ही इज अनहैप्पी लेकिन कंट्रास्ट में हम ये कह रहे हैं फिर भी हैप्पी नहीं था है ना तो हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों को जो द मैन इज वेरी हैप्पी स्टिल ही इज अनहैप्पी है ना लेकिन फिर भी वो आ, अभी भी वो अनहैप्पी है तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया लेकिन दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट थे तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने, करने के लिए जो कंजंक्शन यूज की जाती हैं दोज कंजंक्शंस आर नॉन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्लियर गॉट इट समझ में आया सो टुडे वी विल लर्न The two types of conjunction first is coordinating conjunctions and second is subordinating conjunctions. So inke mein detail mein ka baat karte. here I have written three types of conjunction. Earlier I was talking about two types. Now basically there are two types that, uh, that are used and even correlative. now you are in uh, you have upgraded your class so uh, correlative we will add correlative also. ओके सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लर्न करने का कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आती हैं जो सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं एक ट्रिक है इसके लिए दैट इज फैन बॉयज ठीक है फैन बॉयज में यहां एफ जो है दैट स्टैंड फॉर फॉर ए स्टैंड फॉर एंड एन स्टैंड फॉर नॉर और नॉट बी स्टैंड्स फॉर बट ओ स्टैंड फॉर और वाई स्टैंड फॉर येट एंड एस स्टैंड फॉर स्टिल ओके वी नो इनका यूजेज क्या है हमें सबको पता है एफ मीन्स फोर जो रीजन के लिए यूज किया जाता है एंड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस फॉर सिमिलर थिंग्स है ना जो सिमिलर हो चीजें फॉर इज यूज फॉर पर्पस है ना रीजन बताने के लिए और एंड इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस फॉर सिमिलर काइंड है ना जो सेम से हो हम नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करने के लिए यूज करते हैं बट जो है कंट्रास्ट के लिए मतलब मीन्स uh, uh, जहाँ पे ऑपोजिट मैं कहूँगी ऑपोजिट अगर हमें हाँ कुछ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो हम हाँ वहाँ यूज़ करते हैं बट सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा देन वी विल यूज़ एंड एंड फॉर ऑपोजिट वी यूज़ बट फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रिच बट ही इज़ पुअर है ना ऑपोजिट हो तो गया ठीक है अगर मैं सिमिलैरिटी में लूँ ही इज़ हैप्पी एंड गुड ब्यूटिफुल हैंडसम कुछ भी ले लो है ना ठीक अच्छी क्वालिटीज हैं दोनों सेम टाइप की अच्छी क्वालिटीज हैं देन वी विल यूज एंड बट अगर नेगेटिव क्वालिटी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है एक बात हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव दे रहे हैं और एक नेगेटिव दे रहे हैं देन वी विल यूज बट फॉर नेक्स्ट वन सेकेंड वन ओके और और हम लोग जहां ऑप्शन चॉइस की बात आती है तो वहाँ हम यूज करते हैं और एंड फॉर नेगेटिव ऑप्शन वी यूज नोर येट मैं कहूँगी कि कुछ जो uh, मतलब इतना होने के बावजूद भी आपको लगे कि इन स्पाइट ऑफ दैट है ना तो हम लोग यूज़ करते हैं येट और स्टिल टाइम पीरियड के लिए कि स्टिल वी हैव समथिंग है ना अभी भी अभी तक भी कुछ है हमारे पास या जो भी हम टाइम पीरियड से रिलेटेड ले बात करते हैं टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए इन टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टिल ओके नेक्स्ट इज सबो ऑर्डिनेटिंग सबो ऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजेंशन क्या हैंटिंग कन्जंक्शन mm. हम यूज़ करते हैं इन सब रीजन्स को लेके है हाँ ना कहा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंजंक्शन uh, यूज़ करते हैं बात करेंगे टाइम के लिए अगर हमें बात करनी है टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें कंजंक्शन जो यूज़ करते हैं वो रहेंगी हमारी वैन वैन एवर बिफोर आफ्टर सिंस ये हमारी कंजंक्शंस रहेंगी फॉर टाइम टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं ठीक है अगर हमें पर्पज़ की बात करनी है पर्पस हमारा क्या है रीज़न क्या है काम को करने का सो दैट और दैट ठीक है ये कंजंक्शंस हम यूज करेंगे प्लेसिस को बताने के लिए तो बहुत सिंपल है वैन वेन एवर सॉरी वेर प्लेसेस की बात कर रहे हैं हम सो वेयर ओके रीज़न्स okay? को uh, बताने के यूज़ करते हैं बिकॉज़ एज़ है ना, रीज़न को बताने के लिए कंडीशंस को अगर हमें बताना है कि ये होता uh, अगर ये है तो ऐसा होगा अगर ये कंडीशन है तो ये होगा है ना तो कंडीशन जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ हम लोग इफ़ का यूज़ सबसे ज़्यादा जो होता है वो है इफ़ है ना जो आपके लिए बेस्ट है नेक्स्ट है रिजल्ट्स सो रिजल्ट्स में हम लोग लाइक like कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि किसी का किसी काम का रिजल्ट क्या होगा जो आगे हमें बताना है सेकेंड सेंटेंस में तो वहाँ उसके लिए हम यूज़ करते हैं सो so, और uh, हम सो so, दैट भी इसी में इसमें भी यूज़ करते हैं ठीक है कंट्रास्ट बताना हुँ. कंट्रास्ट और कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने टू टाइप्स दोनों अलग अलग लिए हैं क्यों क्योंकि कंट्रास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जब सिमिलर चीज़ें होती हैं ना तो उनमें कंट्रास्ट होता है और कंपैरिजन क्या होता है कि कोई एक अच्छी है और एक बुरी है जहाँ पे ऑपोजिट नेचर uh, की चीज़ें आ जाती है बात होती है दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ों की या पर्सनस की है ना तो वहाँ हम कंपेरिज़न यूज़ करते हैं लेकिन जब सिमिलैरिटी आ जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट तो कंट्रास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑल और दो है ना ये कंट्रास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं देन और एज ये हम लोग एज एज जैसे हम ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए एज गुड एज नी क्वालिटीज़ के लिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज एज और देन कंपेरिजन जब आ जाता है तो हम ऑपोजिट नेचर अब नेक्स्ट है हमारा को रिलेटिव बहुत ईजी है इसमें आ, हमें क्या करना होता है कि पेयरिंग को लर्न करना है बस अगर एग्जाम कोई सेंटेंस आता है एग्जाम में तो एक पैर का एक पार्ट आपको दिया होगा तो दूसरा आपको बस याद रखना है कि इस पैर के साथ आपको ये आ, ये यूज करना है ये कंजंक्शन यूज करनी है तो कौन कौन से पैर हैं वो बोथ And, neither, nor ये negative sentences में use होते हैं ठीक है Either, or ये positive sentences के लिए no sooner इसके साथ हमेशा देन यूज होता है ठीक है टी एच एन वाला वाला देन और ये इसका मीनिंग होता है मतलब जितना जल्दी हो सके ठीक है और फिर हम यहां आ, और लेंगे सो दैट नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है तो आपका सेंटेंस में आपको देखना है कि अगर एक पार्ट में कोई इनमें से प्यार में से कोई एक यूज़ हो रहा है सपोज करो कि और यूज़ हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि दूसरे ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है ईदर है ना तो ऐसे ही बोथ है तो एंड तो ये प्यार्स आपको लर्न करने हैं बोथ एंड नीदर नॉर बाकी सेंटेंसेस के यूजेस तो आपको पता ही है इनके मीनिंग अच्छे से पता है कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता है तो प्यार लर्न uh, करना आपका काम है इस टाइम ठीक है तो ये आते हैं कॉ कन्जंक्शंस जिसमें हम पेयर्स को लेते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेते हैं और एक डिपेंडेंट सेंटेंस और कोऑर्डिनेटिंग में हम दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लेते हैं और इसमें कौन कौन सी कंजंक्शंस आती हैं सो सिंपल फैन बॉयज है ना आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कंजंक्शन कौन सी किस में आती है वो लर्न हो गया मीनिंग तो आपको पता ही है यूजेज़ आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो आ, बस ध्यान रखना है कि सब ऑर्डिनेटिंग का भी यूज़ करनी है कोऑर्डिनेटिंग का भी यूज़ करनी है और का तो समझ में आ ही जाएगा जहाँ पेयर यूज़ करने हैं हमें है ना चलो थैंक यू बाय टेक केयर